मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। भाजपा ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें हासिल की। आज विधायक दल की बैठक है और इस बीच केंद्रीय पर्यवेक्षकों के भोपाल पहुंचने से एमपी में सीएम फेस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तीनों पर्यवेक्षक भोपाल पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल से पहले तीनों पर्यवेक्षकों की कोर ग्रुप के साथ बैठक चल रही है। तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक विशेष विमान से शासकीय विमान दल पहुंचे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी अगवानी की। उसके बाद बैठक से पहले पर्यवेक्षकों ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी की। इस दौरान शिवराज सिंह ने भी मनोहर लाल खट्टर और के लक्ष्मण को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात तीनों पर्यवेक्षक बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हुए, जहां अभी बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, जिसके बाद बीजेपी दफ्तर में ऑब्जर्वर खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा विधायकों के साथ बैठक करेंगे। गौरतलब है कि आज मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने की संभावना है। विधायक दल की बैठक के बाद सीएम फेस का ऐलान हो सकता है। इस बार मुख्यमंत्री पद की रेस में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं नवनिर्वाचित विधायक प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल है। सियासी गलियारों में ऐसी भी चर्चाएं हैं कि इन सब नामों से अलग किसी और नाम का ऐलान भी भाजपा सीएम फेस के लिए कर सकती है। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान सीएम की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं।